मेलबर्न देसी जंक्शन देख रहे श्रोतियों को गोल्डी सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। फिर हाजर हाँ जी तुहाडे वास्ते एक नवी तो हैल्दी रैसपी लैके अज बनाने जा रहे जिवें कुसकुस सैलड। कुसकुस सैलड बहुत ही हैल्दी रैसपी है, लो ए फैट है जी, गुड सोर्स ऑफ फाइबर आ, हायर विच प्रोटीन हैगी जी, तो यदा जी आई लैवल हैगा जी लो टू मीडियम। हैल्दी डाइट लिए तुसी अपने लंच के डिनर में कुसकुस सैलड नाल रिप्लेस कर सकते हो। जे तुसी लंच के डिनर के नाल इहनू सर्व करना तो तुहानू एक बोनस रैसपी एंड च दसूंगा जिहदे नाल तुसी कुसकुस सैलड नू मॉडिफाई करके अपने लंच के डिनर के नाल भी सर्व कर सकते हो। पहला तुम दिखा दिना जी की इनग्रीडियंट पैणगे तो फिर इन्हूं किद्दां प्रिपेयर करना, बहुत ईजी रैसपी है जी। तो पहले तुम दिखा दिना जी इनग्रीडियंट, इनग्रीडियंट सब तो पहले तुम दिखा देना जी। सब तो पहले लीती जी आप कुसकुस ही लीती जी, आप 400 ग्राम, यह मैं थोड़ी मोटी वाली कुसकुस लीती है। कुसकुस दो तरह की आती है, एक थोड़ी बरीक होंगी है, यह थोड़ी मोटी है। तो सैलड वास्ते यह बहुत वधिया, ईजली तुहानू किसी भी सुपर मार्केट के ईजली अवेलेबल मिल जूगी। नैक्सट लीते हैं जी मैं चिट्टे छोले, ये लीते जी मैं 250 ग्राम, मैं यूज़ कर रहा जी कैंड वाले छोले। तुसी नॉर्मल छोलियां नूं लै के ओवरनाइट भिओं सकदे हो जां नूं बॉयल करके यूज़ कर सकदे हो, पर जे तुसी कैन वाले छोले लओगे तो इन्ना ध्यान रखियो उहदे विच नो एडिड सॉल्ट होवे। ये प्लेन है जी, सिंपल प्लेन नो एडिड सॉल्ट वाले 250 ग्राम मैं चिट्टे छोले यूज़ कर रहा। उस तो बाद आप लेते हैं जी सुल्ताना, जां तुसी सौगी भी लै सकदे हो, ये मैं लेती हां जी 50 ग्राम। उस तो बाद मैं यूज़ कर रहा जी पंपकिन, पंपकिन नूं छिल के छिलण तो बाद 250 ग्राम मैं यूज़ कर रहा जी। सॉल्ट लेना जी तुसी अपने टेस्ट अनुसार। उस बाद आप लेते हैं जी 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। तो हुण तुहानू दिखाना जी इहदी प्रैपरेशन, बहुत ही ईजी तो सिंपल रैसपी है। तो हुण तुहानू दिखाना जी इहनू किद्दां प्रिपेयर करना। सब तो पहले स्टैप दे विच कुसकुस दे उत्ते अपने टेस्ट अनुसार सॉल्ट पा देवांगे। उस तो बाद जिहड़ा आपां ऑलिव ऑयल लिता है उहदा हाफ इहदे उत्ते यूज़ कर लवांगे। हाफ आप यूज़ कर लिया तो हाफ आप रख लिया हो, तो हुण इहदे विच बॉयलिंग वाटर पाना है। बॉयलिंग वाटर की मात्रा पानी जी छोटी एक कौली, बॉयलिंग वाटर पा के उन्होंने आप एक प्लेट के नाल ढक देना है। तो इहनू आप साइड पर रख देवे। तो हुण आप अपना करते हैं जी नैक्सट स्टैप। सैकेंड स्टैप के आप अपने पंपकिन दे करांगे जी पीसिस, छोटे छोटे पीसिस करने चाहिए। पंपकिन नूं छोटे छोटे पीसिस आपां कट कर लिया होया जी। हुण तुहानूं दिखाना जी नैक्सट स्टैप। एक लवांगे जी मीडियम साइज़ का पैन, उहनूं रखांगे जी गैस के उत्ते मीडियम हीट के उत्ते। पैन जदों गर्म हो जाऊगी उहदे विच अपना बचा हुआ ऑलिव ऑयल, एक बार ऑयल गर्म हो गया हुण चंगी तरह पैन के हिला के उहदे च आपां डाइस किया हुआ पंपकिन ऐड कर देना। डाइस किए हुए पंपकिन नूं 4 to 5 मिनट मीडियम हीट उत्ते करांगे जी कुक। पंपकिन साडा रेडी है जी, गैस नूं कर देंगे जी बंद। तो हुण तुहानू दिखाना जी नैक्सट स्टैप। पहला स्टैप जी आपां कुसकुस रखी सी बॉयलिंग वाटर पा के वह हो गई जी रेडी। एक लैणा जी आपां फोक, हौली हौली करके कुसकुस तो आपां फिरदे जावांगे तां कि कुसकुस आपस च चिपके ना, इहदा स्किल सिंगल सिंगल इहदा ग्रेन अलग हो जाऊगा तो पूरी यह दाणेदार बनूगी। स्लो स्लो करके, स्पून नहीं आपां यूज़ करना, यूज़ आपां करना जी फोक। जे आप स्पून यूज़ करांगे तो कुसकुस क्योंकि हॉट वाटर आप यूज़ किया है तो वह क्रश हो जाऊगी। तो आप यूज़ करांगे जी फोक, स्लो स्लो करके उन्होंने हिलाई जावांगे तो उसका कला कला दाणा वह अलग हो जाऊगा तो पूरी दी पूरी यह सिंगल सिंगल इसका ग्रेन बन जाऊगा। कला कला दाणा कुसकुस का अलग हो गया। तो हुण आपां करांगे जी फाइनल टच, तो प्रिपेयर करांगे जी अपनी कुसकुस सैलड। एक लवांगे जी मिक्सिंग बॉल, अपनी बॉयल की हुई आपां पावांगे जी इहदे कुसकुस। इहदे विच आपां पावांगे जी अपनी सुल्ताना, जां तुसीं पा सकदे जी सौगियां,
चिट्ट छोले ते अपना कुक किया है पंपकिन। टेस्ट अनुसार ऐड करेंगे जी सॉल्ट। आप कुसकुस वास्ते तो सॉल्ट ऐड कर लिया सी पर बाकी चीज़ें ऐड की उस वास्ते सॉल्ट इनफ नहीं है। तो इन करेंगे जी चंगी तरह मिक्स। साड़ी हैल्दी कुसकुस सैलड रेडी है जी। तुम अपने लंच ते डिनर नू इन रिप्लेस करके हैल्दी डाइट दे विच इन खा सकते हो। जिदा मैं तुम्हें पहला दसिया कि आप बनावे जी बोनस रैसपी इन आप करेंगे जी मॉडिफाई। जे तुसी थोड़ी जी अनहैल्दी होगी जी तो जे तुसी सिर्फ हैल्दी खाने तो इत तक इनू देख सकते हो इत तक अपना इन बना के तुसी इनू सर्व कर सकते हो। पर जे तुसी थोड़ा जिहा स्वाद ना खाना चाहते हो जे इन्हें तुसी अपने लंच या डिनर के नाल सर्व करना चाहते हो तो उस वास्ते तुहानू तीन इनग्रीडियंट होर लगने जी। वो तुम दिखा देना जी। वो आप यूज़ किए जी 2 चमचे शूगर एम लेते जी ब्राउन शूगर। तुसी रॉ शूगर लै सकते हो गुड़ लै सकते हो। उस तो बाद लेते जी आप रैड पैपरीका ये लेते जी मैं 1/2 चम्मच। ये लाल मिर्च नहीं है जी ये पैपरीका है स्वीट पैपरीका है। यह कलर नूं इनहैंस करती है तो यह तुहाडे टेस्ट नूं इनहैंस करूगी। उस तो बाद लेता जी आप 1 चमचा ओलिव ऑयल। तो हुण तुहानूं दस्सदा जी इन किदां प्रिपेयर करना। बोनस रैसपी वास्ते एक लवेंगे जी आप छोटी जी पैन हुण रखांगे हाई हीट के उत्ते। थोड़ी देर गर्म करन तों बाद उहदे विच पावांगे जी अपना 1 टेबलस्पून ओलिव ऑयल। ऑयल में चंगी तरह कर ला जी आप गर्म। ऑयल जो चंगी तरह गर्म हो गया वो आप अपनी ऐड करेंगे जी स्वीट पैपरिका। स्वीट पैपरिका ऐड करन तो बाद वो आप ऐड करेंगे जी अपनी शुगर तो इन्हें चंगी तरह आप ला दूंगे। अराउंड 1 मिनट इन कुक करांगे जी ताकि शुगर साड़ी कैरमलाइज हो जाए। साड़ी शुगर रेडी है जी। गैस में कर देंगे जी बंद तो हम तुम दिखाना जी नैक्सट स्टेप। साड़ी शुगर तो पैपरिका रेडी है जी। हम आप अपनी कुसकुस सैलड के कर लेंगे जी मिक्स। जिदा मैं तुम्हें पहला दसा जी ये है जी बोनस रैसपी। जे तुम शुगर अवॉइड करते हो तो नॉर्मल कुसकुस सैलड तक यह रैसपी छड़ सकते हो। तुम अपने लंच के डिनर कर सकते हो जी रिप्लेस। तो क्योंकि आप बनाई है जी बोनस रैसपी तो इन आप किया जी मॉडिफाई। हूँ इन आप करांगे जी मिक्स। पैपरिका का कलर देखो कलर यदा होने लग गया जी रेडिश टोन के आ गया। तो जी आप शूगर ऐड की है वह कैरमलाइज हो गई है तो ये तुम मिठास के अलग अलग क्रंच बन गया तो तुम क्रंच के फील होगा। चंगी तरह मिक्स कर लो तुहाडी सैकेंड रैसपी भी रेडी है जी। हुण इहनूं करदे हां जी आपां सर्व। साडी हैल्दी कुसकुस सैलड रेडी है जी बोनस रैसपी दे नाल। जे अज दी तुहानूं वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो नूं अग्गे तक शेयर करो वीडियो नूं लाइक करो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो प्लीज़ सानूं कमेंट करके जरूर दस्सिया करो कि तुहानूं रैसपी कहो जी लगी तो तुसीं होर किद्दां दी रैसपी लाइक करदे हो। जिंदे वास रहो रब रखा।